हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे गिन्नी जोन यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज से मैंने जो अपने इस चैनल पर वीडियो डालनी शुरू कर दी है, तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल पर बहुत शानदार वीडियो देखने को मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम स्पॉन्सरशिप पा सकते हैं, अपने चैनल को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हमने अपने चैनल को चलाना है, यूट्यूब चैनल को किस तरह से चलाना है। ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी टिप्स यहाँ पर आपको मैं देने वाला हूँ, जितना भी मेरा यूट्यूब का एक्सपीरियंस है गाइस, वो सब आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। छोटी से छोटी बात आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं बताऊंगा यूट्यूब से रिलेटेड। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 13 रूल, जो कि एक यूट्यूब की तरफ से आता है, और ये रूल जो है यूरोप में जो है लागू कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। और आर्टिकल 13 रूल एक बहुत मतलब कह लीजिए बहुत बड़ा गंदा रूल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे क्रिएटर्स अगर ये रूल इंडिया में अप्लाई हो जाता है। और आर्टिकल 13 एक्चुअल में क्या रूल है ये आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ गाइस। आर्टिकल 13 का मतलब ये है कि आपकी जो वीडियो है वो 100% आपकी खुद की वीडियो होनी चाहिए। मतलब कि ना तो आपकी वीडियो में कोई गूगल से उठाई हुई फ़ोटो हो, ना तो आपकी वीडियो में कोई बाहर से लिया हो, कोई छोटा मोटा 5-10 सेकंड का भी क्लिप बाहर से ना लिया हो, और चाहे 2 सेकंड का वीडियो का क्लिप हो, चाहे 5 सेकंड या 3 सेकंड छोटा सा छोटा क्लिप भी जो है किसी और की वीडियो से ना उठाया हो, चाहे वो किसी ब्रांड का ट्रेलर हो या किसी फनी चैनल की वीडियो हो या किसी सैड चैनल की वीडियो हो या रोमांटिक सीन हो, कुछ भी है, आप कुछ भी कहीं से भी उठाकर जो है अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकते, ये बोलता है इनका आर्टिकल 13 रूल। अब कुछ ऐसे चैनल्स हैं गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जो लोग पीछे से वॉइस दे देते हैं और गूगल से फोटो डाउनलोड करते हैं और स्लाइड शो बनाते हैं और जो है चला देते हैं अपनी वीडियो पर और पीछे से वॉइस दे देते हैं, तो उन चैनल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है कि यहाँ पर अब इस आर्टिकल 13 रूल है इसके मुताबिक आप कोई भी फ़ोटो गूगल से भी डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब आपकी वीडियो 100% आपकी होनी चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसी गाइस वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने जो है कुछ गूगल से फ़ोटोज़ डाउनलोड कर दिखाई हैं, और कुछ जैसे MI का कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है या तो उनका ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर जो है मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाया है। तो गाइज, अब ये हम चीज़ें जो है नहीं कर सकते अगर हमारे इंडिया में ये आर्टिकल 13 रूल अप्लाई होता है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हमारी काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जो डिलीट हो सकती हैं, और कुछ लोगों की कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि इस बेस पर ही चलती हैं, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो इस बेस पर ही चलते हैं, मतलब कि मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, उनका चैनल किस तरह से चलता है, फ़नी वीडियो बनानी है चाहे सैड बनानी है चाहे रोमांटिक बनानी है, उन्होंने एक वीडियो को अच्छा सीन क्रिएट करने के लिए उन्होंने किसी और वीडियो का फनी छोटा सा क्लिप उठाना है, वो अपनी वीडियो में चिपका देना है, चाहे सैड हो चाहे रोमांटिक हो, तो उनका क्लिप डाउनलोड करते हैं और अपनी वीडियो में डाल देते हैं। तो ये चीज़ें गाइस अब बहुत ज़्यादा गलत होने वाली हैं, तो अब आप ऐसे बिल्कुल भी काम ना करें। अब आप जो भी वीडियो शूट करोगे वो 100% आपकी खुद की होनी चाहिए, आप ना तो कोई गूगल से फ़ोटो उठाओ, क्योंकि गाइस अभी तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल 13 रूल है वो हमारे इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ है, यूरोप में हुआ है, और यूरोप में अभी अप्लाई हुआ है, हमारे यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि हमारे यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। अब यूट्यूब ही जानता है कि वो यहाँ पर इंडिया में ये रूल कब लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये रूल कहीं ना कहीं यूरोप में अगर अप्लाई हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर जो अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें जो है अब जो भी वीडियो बनानी है, ना तो हमने कोई गूगल से फ़ोटो उठानी है, ना हमने कोई किसी का क्लिप उठाना है, और ना कोई छोटा सा भी कोई सॉन्ग है या म्यूजिक है कोई भी हमने नहीं उठाना, हमारी 100% खुद की वीडियो अब होनी चाहिए जो भी आप शूट करोगे। जो अगर आपने कुछ स्लाइड शो की वीडियोज़ बनाई हैं या जिस पर लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है आपको, तो वो आप जो है डिलीट कर दें अपने चैनल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ सकते हैं हम, कि अगर मतलब कुछ ज़्यादातर इस तरह की वीडियोस हमें हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, तो हमारे चैनल पर भी यहाँ पर बात आ सकती है। और बात करें कि YouTube ये किस तरह से चेक करेगा, किस तरह से देखेगा, अब ये मैन्युअली करेंगे या तो ऑटो करेंगे, ये तो टाइम ही बताएगा, पर मैन्युअली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि गाइस आप सब लोग जानती हो इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं और एक एक चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हैं, तो मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं रहेगा।
ऑटोमेटिकली अगर ये फिल्टर लगाते हैं तो गाइस काफ़ी चैनल जो है रिस्क में आ जाएंगे। उन्होंने ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारी वीडियो का एक आधी फ़ोटो उठानी है, पकड़ लेनी है, या छोटा सा क्लिप पकड़ लेना है, तो हमारी वीडियो को जो है वो डिलीट कर देंगे, या चैनल पर भी बात आ सकती है गाइस। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओ, और जो भी आप वीडियो शूट करो तो आप थोड़ा सा ध्यान से करो। तो बस गाइस आज की वीडियो में यही था, आज मैंने आपको अलर्ट करना था, और आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब से रिलेटेड बहुत शानदार वीडियोज देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना ख्याल रखें।